एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आज मैं आपके साथ अली एक्सप्रेस हॉल पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। दोनों वीडियोस के मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। पार्ट 1 एंड 2 दोनों में मैंने आपको इयररिंग्स दिखाए थे, एंड इस पार्ट में मैं आपको थोड़ी ज्वेलरी आइटम ही होगी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी और साथ में लिपस्टिक्स भी होंगी। सो और पार्ट 1 में आपको अली एक्सप्रेस एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप वो अगर आपको डिटेल देखनी है, वो कैसी एप्लीकेशन है, क्या उसकी डिलीवरी है, तो आप वन वीडियो जरूर देखना। तो इस वीडियो में बहुत बातें नहीं करते हैं, फटाफट से मैं आपको अपना स्टफ दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये रिंग ऑर्डर की थी, बस वैसे ही ऑर्डर कर दी थी, सिर्फ 10 रुपीज में मिल रही थी, तो आई थॉट कि चलो ऑर्डर कर लेती हूँ। ये थोड़ी लाइट वेट रिंग है, लेकिन चलो अच्छी है, बट इसकी क्वालिटी इतनी हैवी इतनी अच्छी नहीं है, बट देखने में इतना पता नहीं लगता कि अरे ये 10 रुपीज की इयर रिंग है। तो इसके लीफ की शेप बनाई हुई है, अच्छी लगती है मुझे ये वाली रिंग भी। एक मैंने हैंडकफ ऑर्डर किया था, एंड आप देख सकते हो इसके कितने सुंदर इसकी फिनिशिंग की हुई, बिल्कुल भी रफ एजेस नहीं आपको नजर आएंगे, और ये गोल्डन कलर में ये मुझे बहुत अच्छे लगा। मैंने इसको अपनी कजन की वेडिंग में भी डाला था, तो आप जस्ट आप इसको डाल लेते हो तो आपको ऐसा लगता है बहुत ही लुक कंप्लीट होगी, आपको और कुछ अपने हाथ में डालने की जरूरत नहीं लगती है। अब मैंने एक ब्रेसलेट ऑर्डर किया था, ये चेन, इसको ब्रेसलेट कहते हैं। इसमें 2 रिंग्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हो चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये गोल्डन कलर में है, ब्लैक ट्रायंगल दिया हुआ है मुझे, ये ब्लैक मैट में है, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको चेन को टाई अप कर लेना, ये भी बहुत अच्छी लुक देता है। इसको भी मैंने कजन के अपने फंक्शन में डाला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ऑर्डर की थी, इसमें मैं अपने हेडफोन्स वगैरह रख सकती हूँ फोन के, आप देख सकते हो इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बहुत अच्छी इसको जिप लगाई है, ऊपर से मैट है, एंड इसमें और भी कलर्स अवेलेबल थे, पिंक एंड ऑरेंज एंड येलो, बट उन्होंने मुझे जस्ट ये ब्लू कलर भेजा, एंड आप देख सकते हो मैश लगाई हुई यहाँ पे, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। ओके, अब मैं आपको लिपस्टिक्स दिखाऊंगी, मैं आपको लिप स्वैशेस नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं तीनों की वीडियोस, 3 तरह की लिपस्टिक्स हैं, तो मैं तीनों की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं आपको इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आपको जस्ट स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले फोकलर की लिपस्टिक से। ये मैंने 3 फोकलर की लिपस्टिक्स मंगवाई थी, एंड ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं। मेरे पास कलर है 8, 18 और 19। मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ ये 19 कलर, ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं। 19 कलर डार्क मॉविश पिंकिश कलर है, एंड ये है 18 ब्रेव कलर, ये है बेबी पिंक कलर, ये स्मच करती हैं, लेकिन आपको वैसी क्रीमी मैट है, लेकिन आपको गंदी वाली वो नहीं लगेगा कि ओवर ही इसकी शाइन सी नजर आ रही है। ये ऑरेंज सा हल्का सा कलर है, इसका नंबर है 08 फजी वजी। ये थी 3 फोकलर की लिपस्टिक्स, एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको मिस रोज की लिपस्टिक दिखाऊंगी, एंड ये मिस रोज की लिपस्टिक मैंने अली एक्सप्रेस से ली है। मैंने 4 शेड्स लिए थे, एक मेरी मम्मा के पास है, लेकिन मैंने इसकी जब वीडियो बनाई थी तब मैंने 4 शेड्स का रिव्यू भी किया था, एंड स्वैशेस भी करके दिखाया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। एंड एक और चीज, अब ये लिपस्टिक्स आपको purple.com पे मिल जाएंगी। मैंने 100 रुपीज में ली थी, लेकिन purple.com में आपको 300 रुपीज की मिल रही है। अब सबसे पहला इसमें अब इसके सब नंबर वगैरह हट चुके हैं, लेकिन आपको वो वीडियो के लिंक में जरूर मिल जाएंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑरेंज न्यूड में कलर है, ये भी क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं। आई लव द लिपस्टिक, आई जस्ट लव द शेड, न्यूड ब्राउन ऑरेंजी न्यूड शेड, आई जस्ट लव द शेड। ये है ब्राउनी न्यूड, ये हल्का सी मॉव सा थोड़ा सा इसका टोन आता है,
एक ये थोड़ी सी डार्क पिंक में आ जाती है, बट ये भी बहुत प्यारा न्यूड सा शेड है। आप देख सकते हो ये क्रीमी मैट है, ये स्मज करती है, लेकिन ये बहुत गंदी वाली ना शाइन नहीं देती है। आई लव दिस लिपस्टिक्स। ये मिस रोज की लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, वो क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं, ये लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, ये बहुत मैट लिपस्टिक्स हैं। एंड मैं अब आपको यू नो इनका शेड मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी, सिर्फ सारे सामान में मुझे सिर्फ एक यही प्रोडक्ट थोड़ा सा लगा, क्योंकि इनका यू नो साइट के ऊपर अगर मैंने एप्लीकेशन के ऊपर देखा तो कलर इनके काफी नो डिफरेंट डिफरेंट लग रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे रियल में तो काफी नो मिलते जुलते से शेड है, हार्डली इनमें कोई नो डिफरेंस सा नजर आएगा। ये ब्राउनी न्यूड में है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा शेड, क्योंकि ये हमारी इंडियन स्किन टोन को यू नो वॉश आउट कर देता, बिल्कुल यू नो डल लगने लग जाता है इसके साथ फेस, तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। 09 नंबर, बट उनके साइड पे ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब देख सकते हो ये बिल्कुल दिख भी नहीं रहा मेरे स्किन टोन के ऊपर, आई डिड नॉट लाइक दिस नंबर। उसके बाद ये सेकेंड शेड है, ये हल्का सा ना ऑरेंज टोन में आता है, ये मैट लिपस्टिक्स है। एंड ये थर्ड आता है, ये हल्का सा ना थोड़ा इन दोनों से डार्कर टोन है। आप देख सकते हो कितने मिलते जुलते से कलर है, लेकिन इनकी एक्चुअल साइड के ऊपर ही तीनों के ना डिफरेंट कलर्स लग रहे थे, इसलिए मैंने इनको ऑर्डर प्लेस किया। एंड यू नो ये 100-100 रुपीज के थे, अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये बिल्कुल सेम नजर आने वाले हैं तो यार मैं एक ही प्रोडक्ट खरीद लेती। थर्ड पार्ट ऑफ द अली एक्सप्रेस हॉल और फाइनल पार्ट। एंड मेरे पास अब अली एक्सप्रेस का मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया जो मैंने खरीदा था। एंड अगर आपने मेरे पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके उसको देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। एंड बहुत जल्दी मैं आपके साथ अपना क्लब फैक्ट्री हॉल भी शेयर करूंगी, उसमें जस्ट मैंने इयररिंग्स खरीदे थे, वो बहुत थोड़े से खरीदे थे, 4-5 प्रोडक्ट्स होंगे जस्ट उसमें। एंड लेकिन आपको दिखाऊंगी जरूर, आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, अगर आपको मेरी थोड़ी सी ये सारी कलेक्शन अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। टिल देन बाय।